शॉर्ट कॉलम्स के डिजाइन जब हम कर रहे थे, सारा प्रोसेस जब हमने किया था और स्लेंडरनेस हमारी क्लियर हो गई थी, तो उसके बाद हम सीधा जो हमारी इंटरेक्शन डायग्राम्स थी ये वाली, इनके ऊपर आ गए थे। और इन इंटरेक्शन डायग्राम्स में अगर याद हो तो हमने यहाँ पे फाई एम एन की जगह एम यू डाल दिया था सीधा सीधा। ये एम यू वही था जो हमारे पास लाइक गिवन था, या जो आपके मूवमेंट आ गए थे कॉलम के ऊपर। सिलेंडर कॉलम्स में ये होगा कि जब ये सिलेंडरनेस चेक हमारा क्लियर नहीं होगा, तो सिलेंडरनेस का इफेक्ट यही था ना कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ रिडक्शन हो जाती है, तो उस स्ट्रेंथ रिडक्शन वाले फैक्टर को काउंटर करने के लिए हम ये करते हैं कि ये वाली जो एम यू मूवमेंट है ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब ये जितनी है उससे हम कोई एक फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो वो जो मूवमेंट की मैग्निफिकेशन कर रहे हैं या उसको इंक्रीज कर रहे हैं जितने भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, वो बेसिकली हमने सिलेंडर कॉलम के डिज़ाइन में कैलकुलेट करना होता है। तो इसलिए लाइक जो ये वाला मेथड भी है, ये लाइक मोमेंट मैग्नीफायर मेथड है। लाइक हम जो इंक्रीज्ड मोमेंट है वो हम कैलकुलेट करेंगे और उसको यूज करेंगे। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, सिर्फ ये वाली जो मोमेंट हम इंक्रीज कर रहे होते हैं इसको कैलकुलेट करने का एक एडिशनल प्रोसेस है सिलेंडर कॉलम्स में। ये जो पीडीएफ है ये बुक में से लिया हुआ है। अगर बुक को देखोगे तो जो सेकंड वाला मैंने शेयर किया है आपके क्लासरूम में, उसमें ज़्यादा डिटेल्ड है सारा कुछ, और इसी की काइंड ऑफ समरी जो है वो मैंने इस वाले पीडीएफ में की हुई है। लाइक आपको काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें से रिमूव की हुई हैं, जस्ट लाइक ओवरऑल जिन लोगों को सिर्फ एग्जांपल चाहिए उनके लिए ये यूज़फुल होगा। स्टार्ट तो हमारा सेम उसी तरह होगा, लाइक लेंथ ऑफ कॉलम ऑब्वियसली हमें पहले पता होनी चाहिए, इफेक्टिव लेंथ जो हम के फैक्टर निकालेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन, फिर स्लेंडरनेस का चेक है। यहाँ तक हमारा सेम आ रहा है, जैसे हमारा शॉर्ट कॉलम था वैसे ही स्लेंडर कॉलम में भी यहाँ तक हमारा सेम आ रहा है। अब इसके बाद हमारा दो चीज़ें हमने कंसिडर करनी होती हैं। एक तो हमें मिनिमम मोमेंट कितनी यूज़ करनी है, लाइक जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए वो एक कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारी गिवन मोमेंट जो जैसे इधर हमारी ये एम यू गिवन थी, या जो हमारी एनालिसिस से मोमेंट आई है वो इस मोमेंट से कम है, तो हम ये वाली मोमेंट यूज़ करेंगे जो यहाँ से आएगी। इसमें आप पी यू भी हमें पता होता है कि कॉलम के ऊपर लोड कितना लग रहा है, और एच भी पता होता है कॉलम की लाइक क्रॉस सेक्शन कितना है। तो एक ये हमें छोटा सा चेक करना होगा मिनिमम मोमेंट का। उसके बाद सिलेंडर कॉलम में जो मैग्नीफाइड मोमेंट है या जो इंक्रीज्ड मोमेंट है, वो हम वही जो हमारी मोमेंट गिवन है एम टू काइंड ऑफ लाइक एम यू ही है जो हमारी ज़्यादा वाली मोमेंट है। कॉलम के एक कॉलम होगा उसके दो एंड्स के ऊपर मोमेंट लगी होगी। जैसे ये एक कॉलम है तो कॉलम आइसोलेटेड तो नहीं होगा, किसी बिल्डिंग में किसी एक फ्रेम के अंदर होगा, तो कॉलम के टॉप एंड पे भी और बॉटम एंड के ऊपर भी कोई रिएक्शंस होंगे जिस वजह से मूवमेंट आएगी। तो टॉप एंड पे भी मूवमेंट है और बॉटम एंड के ऊपर भी। अब इसेंट्रिसिटी इस केस में डिफरेंट होने की वजह से टॉप पे मूवमेंट हमारी 57 आ रही है फॉर एग्जाम्पल, और बॉटम पे हमारी 38 आ रही है। तो मतलब एंड मोमेंट्स हमारी डिफरेंट आ रही हैं, हम इन एंड मोमेंट्स की बेस के ऊपर डिज़ाइन करेंगे कौन सी वाली ज़्यादा है वो हम यूज़ करेंगे। कमिंग बैक टू दिस, तो ये एम टू वही है। तो जो हमारी ये प्रॉब्लम स्टार्ट में हमारे पास जो आएगा वो प्रॉब्लम इसी तरह करके आएगा कि हमें एंड मोमेंट्स
दी होंगी या फिर हमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस जब हम करेंगे तो उसमें हमारे पास ये एंड मूवमेंट्स आ जाएंगी। तो उसके बाद हमने पहले सबसे पहले तो चेक करना है कि जो हमारी एंड मूवमेंट्स हैं वो मिनिमम मूवमेंट से ज़्यादा आ रही हो। अगर नहीं है तो हम मिनिमम मूवमेंट यूज़ करेंगे। सेकंड हमने ये करना है कि उस एंड मूवमेंट को किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जो कि यहाँ पे सिग्मा एन एस के नाम से है, और वो जो एम सी आएगा या क्रिटिकल मूवमेंट आएगी उसकी बेस के ऊपर डिज़ाइन करना है। तो बेसिकली शॉर्ट कॉलम और स्लेंडर कॉलम में के डिज़ाइन में डिफरेंस ये होगा कि शॉर्ट कॉलम में हम डायरेक्टली जो हमारे पास एंड मोमेंट आ रही है एम यू वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन स्लेंडर कॉलम के केस में हम एम सी या क्रिटिकल मोमेंट यूज़ कर रहे हैं जो कि एंड मोमेंट मल्टीप्लाई बाय कोई एक फैक्टर है सिग्मा एन एस। बाय द वे ये एन एस जो है ये स्टैंड्स फॉर नॉन स्वे, तो हम सिर्फ फिलहाल नॉन स्वे फ्रेम्स के बारे में कर रहे हैं जो कि एंड्स के ऊपर लाइक फ्रीली मूव नहीं कर सकते फ्रेम वो वाले। अब ये सिग्मा एन एस फैक्टर कैसे हमने निकालना है? पहले तो बात है ये फैक्टर ऑब्वियसली वन से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वन से अगर छोटा होगा तो मतलब हम मूवमेंट को कम कर रहे हैं जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वन से बड़ा होगा तभी ये मूवमेंट इंक्रीज होगी या मैग्नीफाई होगी। तो स्लेंडरनेस इफेक्ट को काउंटर करने के लिए हम चाहते हैं कि ये मूवमेंट जिस मूवमेंट के ऊपर हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो एक्चुअल मूवमेंट से ज़्यादा हम कंसिडर करें, तो ये फैक्टर वन से हमेशा बड़ा होना चाहिए। इसमें अब ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें सी एम एक वैल्यू है डिवाइडेड बाय वन माइनस पी यू इंटू डिवाइड बाय 0.75 पी सी। पी सी आपको याद होगा, आप लोग ने स्टील में भी किया होगा, जो आयलर्स बकलिंग लोड था, पाई स्केयर ई आई डिवाइड बाय के एल यू होल स्केयर। तो ये तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। इसमें हमारे पास ई भी पता होता है कंक्रीट का या स्टील का या जो भी मटेरियल है, आई भी हमें पता होता है अगर हमारे पास सेक्शन हो, के फैक्टर हम निकाल लेते हैं और एल यू हमारे पास पता होती है कॉलम की लेंथ कितनी है। तो बाकी रह गया सी एम फैक्टर। तो सी एम फैक्टर हमारे पास 0.6 प्लस 0.4 इंटू एम वन ओवर एम टू। एम वन और एम टू ये वाली मोमेंट्स हैं जो हमारे पास एंड मोमेंट्स आई हुई हैं, एक को हम एम वन कहेंगे और एक को हम एम टू कहेंगे। तो एंड मोमेंट्स हमें पता होंगी, उस बेस पे हम सी एम निकालेंगे, सी एम को यहाँ पे डालेंगे, और इसी तरह हम पी सी की वैल्यू इस फॉर्मूला से निकालेंगे, उसको यहाँ पे डालेंगे, तो हमारे पास एक सिग्मा एन एस फैक्टर आ जाएगा। अब वो फैक्टर हमारे पास वन से बड़ा ही आना चाहिए, लेकिन अगर ये वैल्यू वन से छोटी आती है तो हम एटलीस्ट वन लेंगे उसको। अब इसमें तो बेसिकली हमारे पास मेन फार्मूला यही है निकालने। अब इसमें दो चीज़ें हमारे पास आना होने, सी एम और पी सी। तो उनको निकालने के लिए हमारे पास सी एम निकालने के लिए ये सीधा फार्मूला है, पी सी निकालने के लिए ये फार्मूला है आयलर्स बकलिंग लोड। अब आयलर्स बकलिंग लोड में हमारे पास ई आई की एक वैल्यू है, तो ई आई अगर हमें नहीं पता तो वो हम इस फार्मूला से निकालेंगे स्टार्ट में। इसमें हमारे पास ई सी भी पता होता है, आई जी हमारे पास जो ग्रॉस एरिया है कॉलम का उस बेस के ऊपर है, और वन प्लस बीटा डी एन एस एक वैल्यू है, और बीटा डी एन एस है हमारे पास ये नीचे दिया हुआ है मैक्सिमम फैक्टर्ड सस्टेंड डेड लोड डिवाइड बाय टोटल फैक्टर्ड एक्सियल लोड इन अ कॉलम। तो एक कॉलम के ऊपर हमारे पास डेड लोड भी दिया होगा, लाइव लोड भी दिया होता है, तो फैक्टर्ड मैक्सिमम सस्टेंड फैक्टर्ड डेड लोड होगा जो हम यूजली ले रहे होते हैं 1.6 टाइम्स डेड लोड या 1.4 टाइम्स डेड लोड, वो वैल्यू डिवाइड बाय टोटल फैक्टर, तो 1.6 टाइम डेड लोड प्लस 1.4 टाइम्स लाइव लोड।
वो जो हम वैल्यू ले रहे होते हैं। तो यहाँ से हमारा बीटा डीएनएस आएगा, बीटा डीएनएस से हम ईआई निकालेंगे, ईआई से हम निकालेंगे पीसी की वैल्यू, पीसी की वैल्यू को हम इस सिग्मा एनएस वाले फॉर्मूला में डालेंगे, तो वहां से हमारे पास सिग्मा एनएस आ जाएगा। तो मतलब एक वैल्यू को निकालने के लिए हमें नेक्स्ट फार्मूला पे जा रहे हैं, उस फार्मूला में जो अननोन है उसके हम को निकालने के लिए नेक्स्ट फार्मूला पे जा रहे हैं, उसमें एक अननोन है उसके लिए हम इस फार्मूला से निकाल रहे हैं सबसे नीचे वाले। तो सिग्मा एनएस को निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूलाज यूज होंगे वो यही यूज हो रहे हैं। जब हमारे पास सिग्मा एनएस निकल आएगा तो उसको हमने जो हमारे पास एंड मोमेंट होगी एम टू या जो एम यू है या जिस मोमेंट के ऊपर हम पहले डिजाइन कर रहे थे उस मोमेंट को सिग्मा एनएस से मल्टीप्लाई करके हमारे पास एम सी आ जाएगा। एम सी की वैल्यू जब आ जाएगी तो हम वापस तकरीबन सेम हमारी यही प्रोसेस होगा कि हम गैमा की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ये वाले फाइव पी एन ओवर बी एच और फाइव एम एन ओवर बी एच स्क्वायर वाली जो वैल्यूज थी वो निकालेंगे। इसमें आप चेंज सिर्फ ये होगा, फाइव एम एन में यहाँ पे हमने एम यू डाला था, सिलेंडर कॉलम के केस में इस वैल्यू की जगह हम एम सी जो हमने नया कैलकुलेट किया है वो वैल्यू डालेंगे और उसके अलावा हमारा प्रोसेस तकरीबन सेम ही रहेगा। इसमें एक और चीज़ कंसिडर करनी है, ये मैंने नीचे हाईलाइट जो किया हुआ है कि अगर पी यू की वैल्यू 0.75 टाइम्स पी सी से ज़्यादा आती है, इफ पी यू एक्सीड्स 0.75 पी सी देन सिग्मा एन एस की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो मतलब हमें ये करना पड़ेगा कि अगर हमारा पी यू ग्रेटर देन 0.75 पी सी है तो हमें आइडियली कॉलम का क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने पहला ट्रायल सेक्शन किया था 16x16 लेट्स से इंचेस, तो यहाँ पे जब हम पी सी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें ये चीज़ का थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए कि इफ पी यू इज ग्रेटर देन 0.75 पी सी तो हम उस क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करेंगे, लाइक मे बी 18x18 कर देंगे या 20x20 कर देंगे, उस हिसाब से जितना ज़्यादा डिफरेंस है उस हिसाब से हम एक आइडियल कहेंगे कितना इंक्रीज करना चाहिए। सिमिलरली अगर सिग्मा एन एस की वैल्यू 2 से ज़्यादा आ जाती है तो भी हमें कॉलम क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर देना चाहिए। अब ये दो चीज़ें अगर हम इसी स्टेप के ऊपर कर लेंगे कि कॉलम को पहले ही बढ़ा देंगे अगले गेमा और वो सारी चीज़ें निकालने से पहले, उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें बाद में वो स्टेप्स वापस नहीं जाना पड़ेगा, ट्रायल लाइक एक्स्ट्रा स्टेप्स होंगी। तो ये काइंड ऑफ लाइक इंडिकेटर है कि अगर आपकी यहाँ पे ही वैल्यू इन दो चेक्स में ज़्यादा आ रही है तो पहले ही आप अपना जो ट्रायल सेक्शन है उसको इंक्रीज कर दो। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर नहीं भी करेंगे तो लाइक होगा क्या कि हम आगे जाके एम यू और वो सारा निकालेंगे और हमारी मे बी रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी तो उसकी स्पेस नहीं होगी, मतलब आगे जाके कहीं ना कहीं हमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, चेक फेल हो जाएगा, तो इन एनी केस हमें फिर वो ट्रायल सेक्शन इंक्रीज करना ही पड़ता है। तो ये काइंड ऑफ लाइक समरी है एम सी। तो इस वाले सिलेंडर कॉलम का एक इंडिविजुअल कॉलम के डिज़ाइन में हमें मेन जो चीज़ है वो ये एम सी की वैल्यू है, क्रिटिकल मोमेंट की वैल्यू है, जिसमें हमें सिग्मा एन एस निकालना है। सिग्मा एन एस के लिए हमें सी एम की वैल्यू, पी सी की वैल्यू, क्रिटिकल लोड हमारा क्या है और ई आई की वैल्यू। तो इस वाले प्रॉब्लम में हमें ये एक नया जो चीज़ है उसको हमें कंसिडर कर लें। अब ये एक एग्जांपल है हमारे पास, डिजाइन अ सिलेंडर पिन एंडेड कॉलम नॉन स्वे फ्रेम में। इसमें हमारे पास कॉलम की लेंथ दी हुई है, अनफैक्टर्ड डेड लोड एंड अनफैक्टर्ड लाइव लोड दिया हुआ है। कॉलम की लेंथ, डेड लोड, लाइव लोड
eccentricity top pe aur eccentricity at bottom kitni hai, f prime c, f y aur wo sachi hai. To ye cheezein jo given hai wo hamare paas yahan pe ye draw hui hai ke top pe eccentricity, bottom pe eccentricity aur jo hamare paas p u hai, dead load live load diya hua hai to usse hum ye p u nikalenge, 1.2 times dead load plus 1.6 times live load. अगर हमारे पास फैक्टर लोड है और इसेंट्रिसिटीज हैं दो एंड्स के ऊपर तो हम मूवमेंट आराम से निकाल सकते हैं. लाइक पी यू मल्टीप्लाई बाई ई करेंगे तो हमारे पास टॉप मूवमेंट आ जाएगी, पी यू मल्टीप्लाई बाई ये नीचे वाला ई इज इक्वल टू 2 inches जब करेंगे तो हमारे पास बॉटम मूवमेंट आ जाएगी. तो ये लाइक हमें काइंड ऑफ मूवमेंट डायग्राम हम उसकी बना सकते हैं. और इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप लाइक कॉलम की डिफ्लेक्शन शेप भी बना लो कि आपको आइडिया हो गया अच्छा कॉलम डिफ्लेक्ट किस तरह करके होगा. अब पिन एंडेड कॉलम है और मोमेंट टॉप मोमेंट और बॉटम मोमेंट तीन डायरेक्शंस में लगी हुई है तो उसके एंड रिजल्ट में हमारा कॉलम इस तरह करके बेंड हो रहा है, सिंगल कर्वेचर में बेंड हो रहा है. तो मोमेंट एट टॉप, मोमेंट एट बॉटम जो हमने ये निकाली है और एम टू इज लार्जर, ये चीज भी ध्यान में रखना कि एम वन और एम टू कौन सी वाली लेनी है आपने. तो एम टू जो होता है वो लार्जर एंड मोमेंट होगी कि इन दो वैल्यूज में से कौन सी मोमेंट ज्यादा आ रही है. तो 57 ज्यादा आ रही है तो हमारी एम टू 57 ले लेंगे और M1 हम 38 ले लेंगे. यहाँ पे ये गलती से बुक में मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे M2 की जगह M1 होगा, M1 38 होगा और M2 57. तो इन नोटेशन का ख्याल रखना क्योंकि अगर हम नोटेशन लाइक M1 और M2 के हम उल्टी कर देते हैं, लेट से हम जो बड़ी वाली मूवमेंट है उसको अगर हम M1 कह देते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है जहाँ पे हम सी एम कैलकुलेट कर रहे हैं या स्लेंडरनेस कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा साइंस उसके चेंज हो जाएंगे. तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि एम टू जो है लार्जर एंड मोमेंट है. अब यहाँ तक हमने लाइक काइंड ऑफ जो स्टार्ट का डेटा है वो हमने फाइनलाइज कर लिया है, एम वन ओवर एम टू की वैल्यू निकाल ली है 0.667. उसके बाद हमारा वो एक शॉर्ट कॉलम का जो प्रोसेस था, कॉलम साइज हमने एस्टिमेट किया एजी ट्रायल से, सेम लाइक रो जी हमने 0.015 एज्यूम किया और एजी ट्रायल हमारे पास आता है 12 inches by 12 inches. अब अगेन जो चीज़ें हमने शॉर्ट कॉलम के डिज़ाइन में की थी कि कॉलम की शेप क्या होनी चाहिए, रिकमेंडेड रीइंफोर्समेंट पैटर्न क्या होना चाहिए, जो हमने उसके फर्स्ट स्टेप में किया था ये इस वाले ग्राफ से देख के, वो सारी चीजें यहाँ इसमें भी हमने चेक करनी है. जब हमारे पास कॉलम की डायमेंशन फाइनल होगी एजी ट्रायल से, फाइनल नहीं हुई लाइक हमने ट्रायल वर्जन हमारे पास आ गया, तो उसके बाद हमने चेक करना है कि कॉलम स्लेंडर है या नहीं. तो के एल यू ओवर आर, क्योंकि हमारे पास पिन एंडेड कॉलम है, यहाँ पे हमें बताया हुआ था ना स्टार्ट में कि ये कॉलम हमारा पिन एंडेड है तो इसलिए के की वैल्यू 1 ली हुई है. अगर पिन एंडेड ना हो तो हम ये जो टेबल था हमारे पास एक ये वाला टेबल यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं. इसमें भी देखो अगर तो हमारे पास जब पिन और पिन आता है तो हमारे पास के की वैल्यू 1 आ रही है. एल यू हमारे पास लेंथ ऑफ कॉलम है और एम वन ओवर एम टू हमने पहले कैलकुलेट किया है अभी 0.667. जब ये सारी वैल्यूज डालेंगे तो इस पर्टिकुलर केस में ये वैल्यू 66 आ रही है और ये वैल्यू हमारी 26 आ रही है, तो मतलब हमारा चेक फेल हो रहा है. सो हमारा कॉलम स्लेंडर है. अब इसमें एक और चीज देखने वाली है, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में जो कि 66 और 26 है, इसमें काफी ज्यादा फर्क है, मोर देन डबल है ये.
हमें ये भी वो डिफरेंस हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि कॉलम हमारा बहुत ज़्यादा ही सिलेंडर है, तो इसलिए वो यहीं पे हम सजेस्ट कर रहे हैं कि उसका जो कॉलम का सेक्शन है वो हम पहले ही इंक्रीज कर दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है तो हमने डायरेक्ट 12 से 16 कर दिए, सही है, कॉलम फिर भी सिलेंडर ही रहेगा। फिर हमने मिनिमम मोमेंट का चेक किया, वही 0.6 प्लस 0.03h, सही है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी से हमने मोमेंट निकाल ली पी मल्टीप्लाई बाई पी यू करके, और अगर हमारी मोमेंट ज़्यादा आ रही है तो हम जो ऊपर हमने मोमेंट निकाली हुई है M2 वही हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने EI की वैल्यू निकाली है, EI के लिए EC और जो कॉलम हमने चूज़ किया उसका BH³/12, तो EI आ गया। EI के बाद हमने बीटा DNS निकाला जो कि 1.2 टाइम्स डेड लोड डिवाइडेड बाय जो हमारा PU वैल्यू है, 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड। बीटा DNS को हमने निकाला वही जो ऊपर वाले हमारे फॉर्मूले थे, बीटा DNS आया, बीटा DNS से हमने EI निकाला, EI को हमने इस फॉर्मूला में डाला तो हमारे पास PC आया, और PC को हम इस फॉर्मूला में डाल के सिग्मा NS निकाल देंगे। तो ये वही कैलकुलेशन यहाँ पे रिपीट हुई हैं, ये सारी कैलकुलेशन करके हमारे पास जब आता है PC ये आ गया, उसको जब हमने सिग्मा NS में डाला तो सिग्मा NS की वैल्यू 1.3 आ गई। अब 1.3 को हमने मल्टीप्लाई किया M2 वैल्यू जो हमारी स्टार्ट में एंड मोमेंट्स में जो ज़्यादा वाली मोमेंट थी उससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये क्रिटिकल मोमेंट आ गई। तो अब यहाँ पे भी देखो तो जो सिग्मा NS है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, 2 से छोटा है तो ठीक है, तो हमने कोई सेक्शन इंक्रीज नहीं किया, जो हमने 16x16 चूज़ किया था ऊपर वही यूज़ कर रहे हैं। अब आगे MC जब आ गया तो इसके बाद फिर वही सेम शॉर्ट कॉलम वाला प्रोसेस जो था, हमने गेमा निकाला, 5PN ओवर BH वैल्यू निकाली, 5MN ओवर BH स्केयर निकाला, और इसमें 5MN की जगह मैंने वैल्यू डाली है जो ये आई है MC वाली, ये किप फिट में है, उसने आगे किप इंच में कन्वर्ट किया हुआ क्योंकि नीचे वाली वैल्यूज इंचेस में है, तो MC की वैल्यू मैंने डाली। तो ये दो फैक्टर्स आ गए, इन दो फैक्टर्स को जब मैं सेकंड में जाके चेक करता हूँ जो ये वाले मेरे ग्राफ्स थे, तो इससे मेरे पास एक रो जी की वैल्यू आ जाएगी, रो जी की वैल्यू आ गई, उसकी बेस के ऊपर मेरा एरिया ऑफ स्टील आ गया। अब इसके बाद बाकी चेक्स वो सेम हैं जो हमारे शॉर्ट कॉलम्स में चेक थे थोड़े बहुत आगे करके, सिमिलरली जो टाइज का डिज़ाइन है वो भी हमारा सेम ही होगा। तो डिफरेंस सिर्फ हमारा ये था, ये जो हमने 5MN की जगह MC की वैल्यू यूज़ कर ली थी, तो वो कैलकुलेशंस वाला हमारा एक डिफरेंस था। डिज़ाइन लाइक सिंपल है, MC वाला जो ये फॉर्मूलाज हैं इनको जहन में रखना है, और थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हम ये MC क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर है तो हमें एक इंक्रीज या मैग्नीफाइड मोमेंट चाहिए इसलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा दो कॉलम्स हो गए, शॉर्ट कॉलम है तो हमने एक जो लास्ट वीक किया था उस प्रोसेस से, सिलेंडर कॉलम है तो हमें ये एक एडिशनल चीज़ करनी पड़ेगी, और सिलेंडर कॉलम इन नॉन स्वेफ रहे। अब नेक्स्ट हमारा ये होगा कि लेट्स से इस तरह का एक फ्रेम है जो कि लाइक रियल सिचुएशन में हो सकता है, और इसमें हमने कोई कॉलम डिज़ाइन करना होगा, लेट्स से DE कॉलम डिज़ाइन करना, तो प्रोसेस वही होगा हमारा, कॉलम के एंड मोमेंट्स और वो निकालेंगे, कॉलम के स्लेंडरनेस चेक करेंगे, अगर कॉलम ये शॉर्ट है तो शॉर्ट कॉलम वाला मेथड, स्लेंडर है तो स्लेंडर कॉलम वाला मेथड जो हमने अभी किया था।